इनपुट कैसे ले लो? यही ट्रांजेक्शन है जो यहां पर ये मिसमैचेस क्रिएट करती है सर, जितनी भी मैं नीचे लिख रहा हूं सर। आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि 2A वर्सेस बुक से डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं डरना सर। यू हैव टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन 28th ऑफ फेब इटसेल्फ। कैसे भी करके कर देंगे सर। क्या कह रहे हो सर? सर कह रहे क्लाइंट कह रहे मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है सर, ना दे इंटरेस्ट। मैं तभी बोलता हूँ कि इंटरेस्ट का पॉइंट 9C में लिख दो कि कहीं कहीं इंटरेस्ट बन रहा था, सो अगर इंटरेस्ट बनेगा तो इट विल हैव टू बी पेड। एटलीस्ट ये टारगेट करके क्लाइंट पे ना करे सर इंटरेस्ट। एंड लेट मी बी वेरी होपफुल, आज 30th है और परसों बजट है, क्या पता भगवान करे कोई वेवर स्कीम आ गई। सर मुझे ना डर लगता है, मैं बजट से पहले या ऐसे कोई जीएसटी काउंसिल मीटिंग से पहले तो बिल्कुल इंटरेस्ट के लिए क्लाइंट को बोलता हूँ कि अभी जहां पे करना है 10 दिन और होल्ड कर लो, पता लगे मैंने पे करा दिया और वो वापस ना आ पाया। सो इन बजट माइट बी, क्या पता एक वेवर स्कीम आ जाए इंटरेस्ट की, लेट फी की, पेनल्टी की, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी इन द बॉक्स। तो अब आप देखिए सर, क्या पता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 2 दिन में इतना मतलब सर इतनी जल्दी इतने एक्टिव नहीं हो जाएंगे कि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी निकाल देंगे आज जाके। 2 दिन होल्ड कर लेना, क्या पता बजट में कुछ आ जाए। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ आएगा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्या पता आ गया फिर क्या करोगे। इस बार भी यही होना है सर, हम बजट सुन रहे होंगे, लास्ट तक सुनते रहेंगे और लास्ट में पहुंचेंगे और तब पता चलेगा कि बजट खत्म भी हो गया। सर मैं वेट करता रहा, पिछली बार इनडायरेक्ट टैक्स पे कुछ आएगा, अब आएगा और लास्ट में आते पता लगा मैम थक गई और बजट फिजिकल में आएगा। तो लेट्स बी होपफुल कि कुछ हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका टारगेट इशू आएगा सर, एक्चुअल मिसमैच सर, ये होगा प्रॉब्लम सर, जो एक्चुअल में अब आएगा। ये सब एनोमलीज हटाने के बाद जो मिसमैच बचेगा वो बचेगा टारगेटिंग मिसमैच, ये होगा आपके लिए एक्शनेबल। मतलब एक्शनेबल टू एन एक्सटेंट, यहां पर अब आपको प्ले फील्ड में जाना पड़ेगा सर 20% और 10% की स्कीम्स में। इसके अंदर आप 20% 10% खेलेंगे सर, यहां पर वही प्रॉब्लम आएगी कि सर का इनवॉइस सारे चढ़े हुए हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन गगन जी के इनवॉइस है सर, गुस्सा हो गया। इनवॉइस सर के सारे 1 लाख के चढ़े हुए हैं लेकिन रिसीव्ड गगन जी के हैं 1.5 लाख रुपए के, फिर कैसे करेंगे सर? सो पर्टिकुलरली वी हैव टू टारगेट दीज अंडर दिस 20% 10%। वी कैन टेक द कर्टन वेल ऑफ दिस 10% 20% नाउ। अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या मैं इनवॉइस वाइज करता हूं यहां पर? सर मैं यहां पर इनवॉइस वाइज नहीं, मैं 10% 20% की प्ले फील्ड करता हूं, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू एक्चुअली मैच एवरी सिंगल इनवॉइस और फिर उनको हटाया जाए और जो इनवॉइस मेरे परचेज रजिस्टर में आ रहे हैं उनको देखा जाए और फिर 20% से मल्टीप्लाई किया जाए, दैट इज अ टफ टास्क, बिकॉज इट सेज अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR 1। मैंने देख लिया सप्लायर ने अपलोड कर रखे हैं सर, उसका 20% लेकर ब्लाइंडली आप अभी भी तो करते हैं ये, ठीक है? यहां तक सेटिस्फाइड है? यहां सर कोई नॉन एक्सेप्टेंस है सर? ठीक है, क्लैरिफाइड करण जी, आपको अब कुछ बचा है सर इसमें? 20% का अमाउंट है, 20% वो क्लेम का जो इनवॉइस के सीन में था ओवर आर टू में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सबसीक्वेंट मंथ में वो इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मैंने तो सर, जो टू में रिफ्लेक्ट हुआ उसका 20% था, 20% जो एडिशनल बेनिफिट दिया जो इनवॉइसेस मेरे नहीं आ रहे क्वार्टरली रिटर्न की वजह से। ये देखो सर ऊपर एग्जांपल लिखा है, ये 1,20,000 माना जाता है कि आपको क्रेडिट मिल सकता है, आपने लिया 1.5 लाख है, 30,000 रुपए ज्यादा ले रखा है, कैन बी ड्यू टू द एनोमलीज लिस्टेड बिलो, इफ दैट इज द एनोमली कैन बी जस्टिफाइड, नॉट एन एनोमली एक्चुअल मिसमैच डेल्ट अकॉर्डिंगली बाय रेजिंग द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। सर इसमें देखिए एक और चीज, अगर 2A में ऐसे मिल सर तो
हाँ, तो अब आप कहना चाहते हो कि कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जो मेरे हैं ही नहीं, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो 11,40,000 बन रहा है ये ऐसे बन रहा है कि 1,00,000 के इनवॉइस ऐसे हैं या 2,00,000 के ऐसे हैं या 5,00,000 के ऐसे हैं जो मेरे हैं ही नहीं, ऐसा हो सकता सर? सर गगन जी उन्होंने भी आंसर दिया, सर ने भी आगे इट टॉक्स अबाउट एलिजिबल ITC. Rule 36(4) used the word eligible in tax credit. So it is on day one you have to check what is eligible. Sir, when I say this 1,00,000 rupees, you can't say Gagan sir, इसमें section 17(5) पे credit भी ले लो भैया. Sir, mostly cases में लोगों ने car को GST के number दिए होंगे, car purchase करते हैं, वो उसमें आई है. Sir, गाड़ी, grocery, food and beverage, insurance, ये सारे credits minus भी तो करूँगा मैं इसमें से. So particularly, I have to target of reduction of any ineligible input tax credit out of such amount. 20% ले लिया, अगली बार तो 80% लेना. हाँ, अब वो आप समझिए सर, क्या है 20% 20% 20% और यहाँ पहुँच के फाइनली 20 और 10 का मिक्सचर बन रहा है, बट ये 20 या 10 होता, तो you have the play field of that 20% margin. क्या कहीं ये तो नहीं लिखा ना सर कि वो 20% अपलोड होना ही चाहिए नेक्स्ट मंथ? मैं फिर से पूछ रहा हूँ प्रांश भैया, आपने इनवॉइस अपलोड किया 1,00,000 ही दिख रहा है सर, आपने यहाँ 1,20,000 ले लिया, अब ये 20,000 कभी नहीं चढ़ा, ITC दस लाख नहीं होगा. बिल्कुल कर रहे हैं ना सर, तभी तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं. एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग द लॉ दिस टॉक्स अबाउट 2A × 20%. ये तो नहीं कहता ना 20% अपलोड कराओ ही कराओ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो 20% का मार्जिन या 10% का मार्जिन जो एवरेज यहां पे दिख रही है वो आपके प्ले फील्ड है, वो मार्जिन है आपके पास. वो 2A में नहीं भी दिख रहा गगन जी, मैं कह रहा हूं तब भी मिल रहा है, ठीक है? 20% प्ले फील्ड के बाद लगाओ इंटरेस्ट. चलिए आगे बढ़े, ये हटा दो सर, और कुछ तो नहीं है इसमें पूछना है किसी को कुछ? ये एक मेजर इशू था जो आप लोगों को डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था सर. नेक्स्ट चीज मुझे कवर करनी है इसके अंदर, ईवे बिल की ब्लॉकेज. एज एन ऑडिटर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी सर, देयर वाज अ नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 डेटेड 21 November 2019. दिस नोटिफिकेशन क्लियरली टॉक्ड अबाउट इफ यू आर नॉट फाइलिंग योर GSTR 1 योर ईवे बिल्स विल बी ब्लॉक्ड. हाँ या नहीं था सर? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने ऐसी सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं इस ईवे बिल पोर्टल ब्लॉकेज के ड्यूरेशन में. क्योंकि ये भी तो मेरे लिए एक ऑडिट का पॉइंट है सर, बिकॉज द सेल्स हैव बीन मेड, द मूवमेंट हैव बीन मेड विदाउट ईवे बिल. So when your EVA bill was blocked, ideally you cannot make any movement of goods. क्या उस टाइम पे कोई सेल के इनवॉइसेस चढ़े हुए हैं GSTR 1 में या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा. So you need to check when your GSTR 1 was not filed, late filed, or EVA bill portal was blocked or not. अगर EVA bill नहीं कटे और bill कटे, उसका क्या ऑडिटर? तो फिर ये चेक करो सर उसकी मूवमेंट कब हुई है. मूवमेंट हुई है उसे रिकॉर्ड किया क्लाइंट. सर तो ऑडिट का पॉइंट लिखो ना सर, ITC नहीं मैं कह रहा था सर, मैं सप्लायर्स फ्रंट पे कह रहा हूं सर. अनब्लॉक प्रोस्पेक्टिव होता था, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपने इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स करी है या नहीं करी सर. आउटवर्ड सप्लाई, मैं आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा हूं, वो तो पॉइंट मेंशन करके चलोगे ना सर. सर आप ये निकाल सकते हो कि आपकी GSTR 1 कब लेट फाइल हुई, उस ड्यूरेशन में जाकर पोर्टल पे ये चेक कर सकते हो कि पोर्टल ब्लॉक तो नहीं था ये बिल का.
सर ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर ईवे बिल नहीं कटा हुआ आपको वो चीज फाइल में लगा के चलनी है सर, हो सकता है कि उसकी 50,000 रुपए की लायबिलिटी आए उस पे। क्यों? क्योंकि दीज वर मूवमेंट ऑफ इलीगल नेचर। सर आप सारा मैच मत करो ना सर, जहां आपको प्राइम ऑफ एसी दिख रहा है वो तो मैच करके चलोगे। सर नहीं हुआ तो आपके पास ऐसा केस दिख गया तो उसको तो माफ करके चलोगे? सर आप मेरी बात समझना, कभी भी आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि आप अकाउंटिंग में मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो आप एथिकली अकाउंटिंग और ऑडिट करने के लिए अलाउड ही नहीं है। हाँ वो मैं समझ गया सर, बट वैसे आप सर इंटीग्रेटिवली मैं आपको प्रोसेस करवा रहा हूँ, बहुत चीजें होती है जो हम भी कर रहे होंगे, बट सर क्या है सर एथिक्स में तो रहना पड़ेगा अभी। अब क्या है सर ध्यान से समझना गगन सर, आपने मुझे बोला कि उसने ईवे बिल नहीं काटा, 5 दिन की रिपोर्ट निकलती है ईवे बिल की। सर फिर यहाँ पर सैंपलिंग करो ना सर, सारी रिपोर्टें मत निकालो, लेकिन एक क्वार्टर की तो निकाल सकते हो, एक महीने की तो निकाल सकते हो, पहले उसको प्रिंट निकाल के फाइल में लगा लो और सैंपल चेक करो सर। डिपार्टमेंट ऑडिट होगा जब और आपको बुलाया जाएगा, अपनी फाइल बॉक्स फाइल तो दिखा सकते हो कि मेरे सैंपल था और उसमें आए, ये तो नहीं कहोगे कि मैंने चेक ही नहीं किए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ साथ के साथ डाउनलोड करके प्रिंट लगा के फाइल में लगा लीजिए उसको, कंडक्टेड लाइक अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी कि यहाँ पर हमारे लिए ईवे बिल पोर्टल्स जब ब्लॉक हों और कोई ट्रांसमिशन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए तब, और अगर हुई है तो इट इज अ पॉइंट टू बी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट मेजर थिंग सर, 1 अप्रैल अभी तक मैंने फॉर्म नहीं उठाया सर, अभी भी हम डिस्कशन सिर्फ इन एंड अराउंड अपडेट्स ही कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 से देयर वाज अ न्यू मैट्रिक्स ऑफ सेट ऑफ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 1 अप्रैल 2019 से मेरा आईटीसी सेट ऑफ करने का मैकेनिज्म चेंज हो गया था सर, कोई बता सकता है क्या मैकेनिज्म था सर? नहीं सर मैकेनिज्म क्या थे बताओ। ठीक है पहले क्या कंज्यूम होगा सर, फिर सर 49A रूल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कहता था आईजीएसटी को पहले सारा कंज्यूम करना है। लिख देता हूं स्क्रीन पे, रूल ये कहता है अब आपको पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करना है, फिर सीएनएस में जाकर आप जितना मर्जी प्रोपोर्शन यूज कर सकते। इट नेवर सेड इक्वल यूज करो, पहले सीजीएसटी में करो, पहले एसजीएसटी में करो। सिद्धांत जी गलत तो बता देते, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल प्रोपोर्शन में, एनी प्रोपोर्शन में, एनी सीक्वेंस में किया जा सकता था, बट पहले आईजीएसटी में ही जाना था। सीजीएसटी कैसे होना था? पहले सीजीएसटी में जाना था, फिर एसजीएसटी में जाना था। हाँ सर, नहीं सर, लिखो के काटने में जो मजा है सर वो ना लिखने में नहीं है। सो लिख के काट दो, एसजीएसटी नहीं हो सकता। सिमिलरली इन केस ऑफ एसजीएसटी है, ठीक है, नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये नया मैट्रिक्स भी 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल था। आप कह रहे हो हम सोच के आए थे कि फॉर्म खोलेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या टिक करना है और क्या क्या पढ़ना है, अभी तो फॉर्म से बहुत कुछ बाहर भी है सर। 1 अप्रैल 2019 से न्यू मैट्रिक्स था, आपने क्या न्यू मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सेट ऑफ हुआ है नहीं हुआ प्रॉपर? मैं आपको बता रहा हूँ देयर विल बी मेजोरिटी केसेस जहां पे इनिशियल मंथ्स में गलत हुआ होगा। अब एज एन ऑडिटर
आप क्या करोगे सर, एज एन ऑडिटर क्या करेंगे सर? नहीं कर रहा था तो सही है सर, जून में हुआ था, नहीं हो रहा था सर, पोर्टल पे बाद में आया है, मैन्युअली करना था सर, वो खुद तो गलत ले रहा था, मैनुअल आपको ये चेंज करके अप्लाई करना था, खुद तो मैंने आईफोन सीरीज और एस के साथ कर रहा था, वो कर रहा था इक्वली, और गलती से किसी ने पहले सीजीएसटी में डाल दिया हो या किसी को इक्वल डालना हो, आप ये मैट्रिक्स चेक तो करोगे ना सर। इन माय हंबल सबमिशन आई ऑलवेज से अप्रैल से जून का क्वार्टर जरूर चेक कर लेना सर, अप्रैल से जून क्वार्टर यू नीड टू 100% चेक दिस न्यू मैट्रिक्स। खड़ा रहेगा सर, बट ये चेक कर लेना कि पता लगे कुछ कूटपटांग ना कर दिया हो सर किसी ने। देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आईजीएसटी को आईजीएसटी से ही पहले भी सेट ऑफ किया जाता था, फिर सीजीएसटी से किया जाता था, फिर एसजीएसटी से किया जाता था, फिर वो रूल लेके आए नहीं आप पहले एसजीएसटी में या सीजीएसटी में करो, फिर उन्होंने कहा किसी भी प्रपोर्शन में करो, तो आप थोड़ा सा रीजनेबल एश्योरेंस तो लेके चलेंगे ना सर इस क्वार्टर में कि ये हुआ है अपना या नहीं हुआ, ये आपको नेक्स्ट चेक करना है। कमिंग नेक्स्ट सर, आपके मन में और कोई थॉट है कि और कुछ चेंज हुआ है जीएसटी में? ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है, बट कोई गलत मैट्रिक्स ना अप्लाई कर दिया हो किसी ने, क्यों? क्योंकि सर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, व्हेनेवर अ न्यू मैट्रिक्स कम्स इनटू पिक्चर देयर आर सर्टेन अकाउंटेंट्स इन द मार्केट हु अप्लाई इट रॉन्गली सर, सर एक पहले क्वार्टर का मैट्रिक्स को बनवाना पड़ेगा सर, क्यों? क्योंकि आप ये चेक कर लेना पता लगे सर वो आईजीएसटी को एचजीएसटी से सेट ऑफ मार दिया उसने। I want to say it should be assured that it has been set off with IGST first. मुझे उसके बाद से कोई कंसर्न नहीं। ये ऊपर नीचे ना कर दिया हो सर, क्यों? क्योंकि किसी ने अंडरस्टैंडिंग ये भी ली थी उस टाइम कि किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है? सर आप कोई फंक्शनलिटी निकाल दो सर इसकी, ये सेट ऑफ चेक हो जाए। I'm very serious sir. कि हम ये डालें मेरी सेट ऑफ लिखा आ जाए कि सही है, इट शुड बी समथिंग आपको एक्सेल में जनरेट करना पड़ेगा, बना के रखनी पड़ेगी फर्स्ट क्वार्टर। पोर्टल ने तो सेट कर दिया उसने, पोर्टल सर मैंने हमेशा बोला ना सर पांच किस्म के जीएसटी पढ़ता हूं मैं, मतलब आपको सर शुरू से डे वन से जब से मैं जलंधर आया मैंने बोला पांच लॉ है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो करें जो पोर्टल ने आगे लेके पकड़ना, वो कम से कम कर करके चले सर। वो तो देखो पोर्टल ने जो पकड़ना है, मैं आज आपको बता दूं पोर्टल इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम ईयर बैक, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर एक साल पहले से ही वो कट ऑफ 11 तारीख का कर रहा था सर टूवे का, और हम सारे टूवे डाउनलोड कर करके 19 तारीख को क्रेडिट लेते थे सर, इवन आई रियलाइज इट वेरी ऑन द लेटर स्टेज नाउ व्हेन एक्चुअली आई गॉट अ नोटिस ऑफ एएसएमटी 10 फॉर कोविड पीरियड टूवे वर्सेस बुक्स चेकिंग, अप्रैल 20 से फर्स्ट क्वार्टर का मुझे एएसएमटी 10 आ गया, तब मुझे पता चला, मैंने उसको कहा भाई तब तो सस्पेंडेड था रूल, कहता नहीं रिपोर्ट पे तो नहीं दिख रहा पोर्टल की, मैं कह रहा हूँ रूल सस्पेंडेड है, कह रहा पोर्टल पे तो नहीं दिख रहा, तो उसके पास यही जवाब है, फाइनली हमारी डिमांड भी आ गई, कह रहा आप कंटेस्ट कर लो आगे। तो सर अननेसेसरली मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्टल एक साल पहले से ही कट ऑफ पे चल रहा था। नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द आरसीएम सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम में नेक्स्ट चेंज है, क्या चेंज है सर नोट करेंगे, देयर इज अ न्यू आरसीएम ऑफ आरसीएम 1 सर, हर साल एक नया आरसीएम लाते हैं आपके लिए, वो सर सीजन 2 में था, सीजन 3 में कौन सा है सर, अभी रियल एस्टेट नहीं करना सर, मोटर व्हीकल रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आरसीएम इंट्रोड्यूस किया गया था आपके लिए सीजन 3 में, ये कहता है कि अगर आपका 0% यानी कि अगर अनरजिस्टर्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स हो या 5% वाला हो, मतलब आई वांट टू से अदर देन 12%
सप्लायर है एंड सप्लाइंग टू बॉडी कॉर्पोरेट है, योर आरसीएम शैल बी एप्लीकेबल। ये आरसीएम कब से लगा सकते? क्योंकि मुझे इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करनी है सर, 1 अक्टूबर 2019 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इफ अदर देन 12% होगा। अदर देन 12% में दो केसेस होते हैं, या तो सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा या वो 5% चार्ज कर रहा होगा। इट कवर बोथ द केसेस सर। इफ सप्लाईज आर मेड टू द बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर नोटिफिकेशन नंबर 29/2019, और इसमें सबसे क्रिटिकल बात क्या है सर हमारे पास, प्रैक्टिकली हो सकता है आरसीएम किसी ने अप्लाई ना किया, प्रैक्टिकली हो सकता है किसी ने आरसीएम अप्लाई ना किया सर। बॉडी कॉर्पोरेट में ट्रस्ट भी शामिल है सर। इफ यू आस्क मी व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, आई वुड फर्स्टली आस्क यू व्हाट इज एलएलपी सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एलएलपी क्या बॉडी कॉर्पोरेट में आती है, तब आपको सारे आंसर मिलेंगे सर। जीएसटी कहाँ कहता है फर्म है? नंबर मैं बताऊँ मुझे भी याद नहीं होते ज़्यादातर, पर मैं इतनी नोटिफिकेशन है कोई टेंशन नहीं। हो सकता है सर, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है बॉडी को एलएलपी के बारे में ये बताओ। इनकम टैक्स बॉडी कॉर्पोरेट कहता है सर उसको, या फर्म कहता है? करेक्ट मी सर, मैं इनकम टैक्स में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं सर। चलो इनकम टैक्स पे आप कहते हो फर्म का स्टेटस लगता है, जीएसटी में सर कहीं लिखा नहीं है, एक्ट साइलेंट है फिलहाल के लिए सर, कह रहे नोटिफिकेशन में होगा ठीक है। व्हाट इज कंपनीज एक्ट टॉकिंग अबाउट सर? कंपनीज एक्ट सर एक्चुअली वो तो कंपनीज एक्ट शुड रूल दिस। कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है सर? कंपनीज एक्ट क्लियरली सेज अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी फॉरेन कंपनी एक्ट, बट इट टॉक्स अबाउट कंपनी। वी हैव अ सेपरेट एलएलपी एक्ट, तब जब ये नोटिफिकेशन आई ना आरसीएम वाली ये वाली, इससे पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का नंबर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। उस मीटिंग की जब आप रिकमेंडेशंस चेक करेंगे, ऑफिशियल रिकमेंडेशंस जो प्रेस रिलीज आता है, इट सेज ये वाला आरसीएम लगेगा ठीक है, एंड इट शैल नॉट बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाइज टू बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है। उसमें अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के ब्रैकेट में लिखा हुआ सर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटर कॉमन एलएलपी। मैं वहां से बेस ऑफ जीएसटी काउंसिल की इंटेंशन ले रहा हूं कि हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट में दे नो डू नॉट वांट टू इंक्लूड एलएलपी। योर आंसर सर ट्रस्ट इज नॉट इंक्लूड। अब सर ये एक लिटिगेटिव एंगल होगा कि क्या जीएसटी एक्ट इसको बॉडी कॉर्पोरेट मानेगा या नहीं मानेगा। सिद्धांत सर आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ये कहती है कि एलएलपी नहीं है इंक्लूडेड, होगा फ्यूचर में कि माइट बी इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज स्टिल वी हैव एलएलपी एक्ट सेपरेटली। कंपनीज एक्ट ऑल्सो सेज इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो सर एलएलपी नहीं होना चाहिए। वहां पर मेरे को ये बेस लेना है कि एलएलपी इंक्लूडिंग नहीं। सर मुझे आरसीएम के अंदर एक इंट्रिकेसी डिस्कस करनी है आपके साथ, सिंस एक नया आरसीएम जब-जब आता है ये इंट्रिकेसी डेवलप हो जाती है। एक नया आरसीएम जब-जब डेवलप हुआ ये एक इंट्रिकेसी डेवलप हो गई कि सर आपने किसी सप्लायर से सामान लिया,
आपने किसी भी सप्लायर से सामान लिया और उसने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज कर दिया, आपने फॉरवर्ड चार्ज में उसको पे भी कर दिया, आपने इनपुट टैक्स भी ले लिया, उसने जमा भी कर दिया, बट द ट्रांजैक्शन वाज ऑफ रिवर्स चार्ज, तो क्या करो? एज एन ऑडिटर पूछ रहा हूं सर, असेसी नहीं पूछ रहा, अपने सारे टॉपिक्स जीएसटी ऑडिट के लिए सर. सर कह रहे हैं कि मैं नोट्स में दे दूंगा, सिंस इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. आप ये समझे मैं क्या कह रहा हूं सर, यहां पर सामने वाले ने 1,00,000 रुपए के ऊपर 5% टैक्स चार्ज किया और आपको 1,05,000 रुपए का बिल रेस कर दिया, आपने 1,05,000 उसको पे भी कर दिया, आपने 5,000 रुपए का ITC भी ले लिया, आपने इसने 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा भी कर दिए, बट दिस वॉज द ट्रांजेक्शन ऑफ RCM. ये RCM लगना था सर. हाउ विल यू डू इट डील इट एज एन ऑडिटर? बताइए सर. मैम कोई थियर ट्राई करना चाहिए? कैश में डिपॉजिट होना चाहिए था, कैश में तो पे किया होगा आपने उसको. आपका असेसी ये वाला है रिसिपिएंट. आप बताइए सर क्या करोगे? ट्राई तो करो सर एक बार. क्या कह रहे हो? क्या सर? सर उसको नहीं पता था ना सर, पहले तो 5% वाला लगा रहा था वो, कितनों ITC उसको इनपुट टैक्स मिलना नहीं था. और आपको मैं जेन्युइनली बता दूं सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में द रेसिपिएंट प्रेफर्स टू टेक इट फ्रॉम 5% बिकॉज़ इनपुट टैक्स रेट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5), व्हाई विल ही पे अंडर 12%? सो आइडियली पहले 5% वाली स्कीम थी, वो लगा रहा था फॉरवर्ड चार्ज में, अब क्या करोगे सर? अब आप कह रहे हो फिर आपको क्यों बुलाया? बारह नहीं चार्ज किया सर, उसने RCM को फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर दिया, बस लगाया 5 किए. इसमें आप क्या करोगे सर, ध्यान से सुनिए, एज एन ऑडिटर बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए. ये सप्लायर है, ये रिसिपियंट है, यहां पर टैक्स इसको लगाना चाहिए था ऐसे 1,00,000, यहां पे 1,00,000 का बिल आना चाहिए था, 5,000 रुपए यहां से RCM पे होना चाहिए था, फिर 5,000 रुपए का कॉन्सिक्वेंटली आपको इनपुट टैक्स मिल जाना चाहिए था, यही होना था. हुआ क्या है, ये 1,00,000 का बिल ना रेज होके 1,05,000 का बिल रेज हो गया. सर समझेंगे, यहां 1,05,000 रुपए दिख रहा है, ये पे नहीं हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकिन लिया हुआ है ऑलरेडी, सॉरी इनपुट चलो इसमें मिलना ही नहीं था, मैं इनपुट हटा ही देता हूं सर, इनपुट तो मिलना ही नहीं था इसमें, ठीक है, इनपुट भूल जाओ सर लिखा हुआ है. होना था क्या, यही. और यहां पर 1,05,000 दिखना था, आपने 1,05,000 पे कर दिया है, इसने 1,05,000 में से 5,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया. Now comes the corrective action as an auditor. आप as an auditor क्या करेंगे सर? If you are still in transaction with the SSE, if you are still in transaction with the vendor, अगर आप आज भी उसके साथ ये काम करते हो, आज भी आपका वो vendor है, सर आप ये मानोगे कि ये 5,000 रुपए advance की तरह treat किया जाए, excess pay. एज एन ऑडिटर आपको यहां पर एक 5,000 रुपए की RCM की लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी इन कैश अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट. मैं लीगली बता रहा हूं, अब इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है एक अलग कॉल है, ठीक है. और सर ये जो 5,000 इसने पे कर रखा है गवर्नमेंट को, ये एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में इसका रिफंड अप्लाई करेगा. अब आप कहते नहीं सर मेरे साथ तो ये वन टाइम वेंडर था, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ है, मैं उसको फोन कर रहा हूँ वो फोन नहीं उठाता मेरा,
सर उस केस में आपके पास कोई वे नहीं है अदर देन अ वे टू पुट अ नोट इन द ऑडिट रिपोर्ट कि द मैनेजमेंट इज द ऑफ अ व्यू दैट इट इज रेवेन्यू न्यूट्रल हाउएवर देयर वाज अ लायबिलिटी अंडर आरसीएम बट देयर इज नो सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शन व्हिच कुड बी सेटल्ड इन दैट सर्कल सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हेंस नो लायबिलिटी हैज बीन रेज्ड बाय द ऑडिटर हाउएवर इफ एनी कॉन्ट्रावेंशन और एनी अदर ट्रीटमेंट इज applicable to such transaction, it may be dealt accordingly. Similar matter, service accident, manpower. Yes, sir. मैंने गलत तो नहीं बताया? Department चलती है। सर, वो फिर लड़ना पड़ेगा revenue neutrality पे, मैं वही कह रहा हूँ, तभी note तो डालना पड़ेगा ना सर, कि as an auditor आपने transaction identify करी है। साइलेंट मत रहिए, ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेसिव रहिए, चलता रहेगा, ठीक है? डिग्री भी तो रिटेन करनी है सर, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा थ्रेट टू डिग्री हो जाता है आजकल इसमें। अभी सर हमें ना एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अब डिपार्टमेंटल ऑडिट शुरू हुआ है सर, सिद्धांत जी कवर भी करेंगे कि इतने सारे नोटिस आ गए हैं 2017, 18, 19, 20 के आ गए इनफैक्ट, जबकि ऑडिट नहीं खत्म हुआ। सर वो वहाँ पे ऑडिटर को बुला रहे हैं, सिर्फ दो ही तो चीज़ें करनी है मुझे, आपके स्टैचुटरी ऑडिटर को बुलाना है और आपके जीएसटी ऑडिटर को बुलाना है, और अगर इंटरनल ऑडिटर हुआ तो उसको भी बुला लूँ। तीनों को बुला के बस ये पूछना है कि आइटम कैपिटलाइज क्यों हुई जबकि कैपिटलाइज नहीं होनी थी। वो कहता सर मेरे से गलती हो गई, तो आप जीएसटी ऑडिटर से पूछा जाएगा, देखो जी स्टैचुटरी ऑडिटर ने गलती करी तो आपने इनपुट अलाउ करवा दिया। इंटरनल ऑडिटर को वैसे ही पकड़ेंगे कि आप चेक ही नहीं करते थे। और तीनों के तीनों कौन है सर? मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं सर, और हद बात क्या हो जाएगी, गलती से इनकम टैक्स ऑडिटर को बुला लो सर, टर्नओवर भी मैच कर रही और 26 ईयर्स में तो बाप ही कैसे। स्टॉक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप, वो बेस ले रहे हैं 3B की टर्नओवर। मैं कहता हूं फिर दोनों टर्नओवर लिखी आनी चाहिए थी ना सर, 3B भी आती 1B आती तो समझ आता, खाली इनको क्यों बेस लिया। और उसमें आपको एक रिकंसिलिएशन बना के रखनी है सर, जिंदगी में इतनी रिकंसिलिएशंस हैं आपके पास, अब इनकम टैक्स वर्सेस दिस जीएसटी, 2A वर्सेस 3B, 3B वर्सेस 2A, 2A वर्सेस 2B, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर एक महीने के लिए बाहर नहीं जा सकता। मैं कल ही किसी को बोल रहा था, अगर आप प्लान कर लो कि मैं पहले सर, हम प्लान कर पाते थे दैट वी यूज्ड टू हैव दिस सेशन दिस सीजन एज लीन पीरियड, अब जैसे सीजन 3 चल रहा है, सीजन 4 इज ऑन द वे, तो आपको पता है कि प्रैक्टिकली मैं सर इसलिए आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं ऑन अ लाइटर नोट कि हमारे पास जीएसटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। Soon e-invoicing gets implemented, things will be more complicated. E-invoicing. Sir, वो आगे का seasons में है ना sir, level. फिर e-invoice versus e-way bill भी करोगे. फिर e-way bill versus books, e-invoice versus books, 1 versus 3B, 3B versus books, सब कुछ versus income tax. E-invoice versus e-book. सब कुछ करना है sir. और थोड़े दिन बाद पता चलता है, मैं जब आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूँ वो ट्रांजैक्शन एक यूनिक ट्रांजैक्शन है, थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी किताब में आई जिसका कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है लेकिन सामने वाले ने एडजस्टमेंट ही नहीं करी। देयर इज वन ट्रांजैक्शन व्हिच आई ऑलवेज वांट टू शेयर कि आपका भी एक होराइजन खुले सर जीएसटी के अंदर। आई वाज डूइंग अ जीएसटी ऑडिट ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट, और वहां पर सर क्या निकलता है कि एक एडवांस होता है, ध्यान से देखेंगे सर, एक एडवांस है सर्विसेज का, एक सर्विसेज का एडवांस है, मैंने सर्विस के लिए एडवांस दिया सर, किसी सामने वाले ने उसका टैक्स जमा कर दिया हाथ के हाथ, क्या मैं उसका इनपुट ले सकता? नहीं ले सकता। मान के चलना वो एडवांस 100% है, मुझे
मुझे सर्विस रिसीव नहीं हुई, मैंने किताबों में एडवांस रखा हुआ सब और मैंने इनपुट ही नहीं लिया, पेमेंट कर चुका हूँ, मुझे बताना सर बहुत सारी चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर उसने मुझे सर्विस दे दी और इनवॉइस भी दे दिया विद इन अ फाइनेंशियल ईयर और मैंने इसको परचेज रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब आप कहोगे सर कैसे पकड़ में ये बात, पेमेंट तो होगी, पेमेंट तो पहले ही हो चुकी है सर, पेमेंट तो वहां से नहीं होगी सर, वहीं से तो पता चला सर कि 2A में एंट्री दिख रही है, मेरे परचेज रजिस्टर में नहीं दिख रही, पेमेंट कभी जिंदगी में फिर से नहीं होनी इसको, और सर आज की डेट में इनपुट लेने की डेट भी नहीं। सो यू हैव टू कवर दीज ट्रांजैक्शंस एज वेल। जब 2A वर्सेस बुक्स करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। बिफोर एक्चुअली सर इसके बाद क्या सेशन सिद्धांत सर वो टेकअप इसके बाद, मैं भी फॉर्म लेना है सर, फॉर्म ऐसा नहीं कि मैं फॉर्म छोड़ रहा हूँ अभी, मैंने पीयूष सर से सुबह ब्रेकफास्ट में कहा था मैं भागा दौड़ी नहीं करूँगा सर 996 क्योंकि यही हमारे लिए सबसे क्रिटिकल है और यही निकाल के लिए सर सब समय आए हुए हैं इसके लिए। सर मैं बस एक चीज से पहले क्लोज करना चाहूँगा इसके अंदर, वेन एवर यू आर डूइंग अ जीसी ऑडिट सर वी हैव टू पर्टिकुलरली टारगेट, ये चीज हम मिस कर जाते हैं सर, ये लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस मिस कर जाते हो सर, मैं नहीं कह रहा हूं कर दिया है सर, आई एम जेनरिकली सेइंग द स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस में ग्रुप्ड ट्रायल बैलेंस को निकलवाना होता है सर, वहां से एक्सपेंस हेड और इनकम हेड्स को देखना होता है, बिकॉज वी फाउंड इन मेनी सर्कमस्टेंसेस मिसलेनियस इनकम हैव स्क्रैप सेल्स on which no GST has been ever paid. The next thing you should target, I said target areas likh raha hu jahan GST audit mein observations nikalti hai sir. The next thing you must target is the fixed asset register. Sir, talk about additions and deletions. Sir, deletions are a very important aspect here. Permanent disposal of a fixed asset free of cost on which input tax credit has been taken is a deemed supply as per schedule 1 had to be a supply and tax need to be discharged on it. ये यहाँ से पता चलता है डिलीशन के अंदर। Next चीज कहाँ से पता लगती है सर? ऑडिट के अंदर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जैसे ये वाली डिलीशन वाली जिसपे जीएसटी जाता है, ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे को कहीं से ट्रेसेबिलिटी नहीं आती सर, लाइक आपकी डीम्ड सप्लाइज जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं सर, ये सब स्टॉक रजिस्टर्स फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्स ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली गगन सर से मैंने दो क्वेरीज पार्क करवाई थी, मैं उसको सर उसी में ट्रायल बैलेंस को लिंक करना चाह रहा था। मेनी अ टाइम्स यू फाइंड अ सिचुएशन जो कि आपको सीजन 1 सीजन 2 में दिखी भी है, क्या ट्रांजैक्शन कि हमने किसी को सेल रिटर्न किया सर, परचेज रिटर्न, मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा, मैंने उसको परचेज रिटर्न किया, जैसे मैंने उसको परचेज रिटर्न किया ना सर, मैंने उसको अपनी सेल में चढ़ा दिया, उसने अपनी परचेज में बुक कर लिया, जबकि होना क्या था, उसने क्रेडिट नोट देना था और मुझे आईटीसी रिवर्स करना था। सो व्हाट आई वांट टू से, माय परचेज इज आल्सो एस्केलेटेड बाय द सेम अमाउंट एज द सेल इज एस्केलेटेड। इसको कैसे डील करोगे सर, इसको कैसे डील कर रहे हैं सर, बताइए सर इसको कैसे डील करना है सर, सेल इज आल्सो एस्केलेटेड बाय द सेम अमाउंट, परचेज इज आल्सो एस्केलेटेड, क्या हुआ सर?
सर मेरी बात समझना, अगर आज मैंने आपकी जीएसटी आर 9 से इसको कम करा दिया, सामने वाला उसका 2M इनपुट ले रहा है, ये भी याद रखना सर। इस केस में हमारे पास अदर देन वी हैव नो चॉइस ऑफ पुटिंग इट एज अ कमेंट अंडर 9C, क्योंकि अगर मैंने आपसे इसमें कुछ भी वेरिएशन करवाने की कोशिश करी, पहले मैं करवा देता था सर वेरिएशन, बट फिर वी रियलाइज्ड कि सामने वाले ने तो उसका 2A की वजह से इनपुट दे रखा है सर, मैं उसका इनपुट भी इंपैक्ट कराऊंगा फिर, क्या पता वो मेरे हिसाब से सिंक्रोनाइज ट्रीटमेंट ना करे सर वैसे जैसे मैं करना चाह रहा हूं। सो वी कैन पुट इट एज अ कमेंट इन 9C दैट देयर वर इंस्टेंसेस एंड इवेंट्स वेयर purchase return has been booked as an outward supply which could have been booked as a credit note and ITC reversal would have been made. Three बार three में ये थी, मैं गोरी में भी करनी पड़ती है, लेकिन हर साल अब उसको करना पड़ता है। बिल्कुल सर, करना पड़ता है, ठीक है, तो ये point लिख के चलना सीखें। Last चीज जो before I actually hand over to the next speaker and the executives, सर section 18 की कंप्लायंस को क्रिटिकली चेक कर लेंगे सर। मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है सेक्शन 18 की कंप्लायंस चेक नहीं कर रहे हैं सर। सेक्शन 18 स्पेसिफिकली इन एन इंस्टेंस सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 हैव नॉट बीन कंप्लाइड इन मेनी सर्कमस्टेंसेस। रूल 42-43 तो पुरानी बात हो गई सर, 18-6 बहुत जगहों पे कंप्लाई नहीं हुआ। It talks about, मैं example से समझा देता हूँ, it talks about a fixed asset being disposed before 5 years from the purchase, how actually tax had to be paid and is paid can be a difference. For instance, आपके पास एक asset था जिसपे 1,20,000 रुपए का credit बनता था, I'm talking about the input tax credit, ये आपने बेच दिया, ये आपने बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेट से इन दी 19th month, कितने क्वार्टर और अ पार्ट ऑफ क्वार्टर हो गए सर? 7 quarters. Correct me if I am wrong, 7 quarters part or part thereof include karke kiye gaye. So when I talk about 7 quarters, it is meaning to have 7 into 5% means 35%. 35% ka ITC hi aapko allow hoga baki taxable value mein add. Let's say aapne ye asset 1,20,000 rupaye ka, 35% kitna hota hai sir? So maths thodi si weak hai. 42,000 कितना बचा? 78,000 सर आपने ये एसेट बेचा और उस पे टैक्स बना, लेट से आपने ये एसेट बेचा 1,00,000 रुपए का, उस पे टैक्स बना 28,000 रुपए, अज्यूमिंग इट्स 28%, लॉ सेज आइदर दिस और दिस व्हिचएवर इज हायर, this or this whichever is higher needs to be paid as a tax. सही है, बहुत जगह नॉन कंप्लायंस है, लोगों ने इतने पे ही टैक्स पे कर दिया है बस। एज एन ऑडिटर योर लाइबिलिटी ऑफ 50,000 नीड्स टू बी मोर नाउ जनरेटेड, सामने वाले को 50,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन टैक्स आपकी जेब से जाएगा अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट जाएगा। सर सीजन 3 आसान है, मजेदार है सर। सर इसमें फॉर्च्यून का देंगे गुड्स डिलीशन में अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में आपको आईटीसी रिवर्स करना है सर। सर एक ही जगह हिट पड़ सकता है आपको, हमें याद रखना सर, यू कैन बी हिट ओनली वंस,
एक लाख रुपए के गुड्स थे, 18,000 रुपए आईटीसी था, आईटीसी रिवर्स कर दिया गया, आईटीसी रिवर्स कर दिया गया है। और जब आईटीसी रिवर्स कर दिया, ये वाला इसका ये पूरे डिस्ट्रॉय हो गए सर, इसका इंश्योरेंस क्लेम आपको 50,000 रुपए मिल गया, आप कोई टैक्स पे नहीं करना सर। हाँ, अगर आपको उससे ज्यादा मिल जाता है सर, तो इस केस में 20,000 रुपए पे लोग प्रूडेंटली टैक्स जमा कर देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का टैक्स पे नहीं करती। ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है कि 1,00,000 की वैल्यू निल रह जाए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, लेकिन ये स्क्रैप में बिक भी जाए 10,000 रुपए, फिर क्या करेंगे? तो सर जितना स्क्रैप माइनस हो रहा है उतना आईटीसी रिवर्स मत करना, उस पे वहां टैक्स पे होगी। यू कैन बी हिट आइदर वंस ना, मैं 90,000 का आईटीसी रिवर्स कर दूंगा फिर बस, ठीक है जी गगन सर। मुझे पता चला वो कहते हैं कि आईफोन का क्रेडिट भी डिसअलाउ कर रहे हैं। वो कहते हैं आईफोन मींस पर्सनल कंजम्पशन, अदर फोन मींस बिजनेस कंजम्पशन। सर मैं बड़ा हैरान हुआ कि, और मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका गगन सर, मेरे एक क्लाइंट पे वो जीएसटी दिवाली से पहले कुछ दिन पहले विजिट किया उन्होंने, उसने कहा मैं एक फैक्ट्री में गया वहां तो फ्रिज नहीं लगा हुआ, आपकी फैक्ट्री में फ्रिज क्यों लगा हुआ, इसका मतलब फैक्ट्री फ्रिज के बिना भी चल सकती थी, तो फ्रिज का आईटीसी क्यों लिया हुआ आपने? सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब मूड आ जाए कि सेटिस्फाई करवाना है तो करवाना है सर, लॉ इटसेल्फ सेज ही सेटिस्फाइड टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफिसर। मैंने कहा बोला सर कि सेटिस्फाई कहीं भी लिखा है लॉ में, क्या डिफाइन किया सर गगन सर ने, डिफाइन है क्या कहता है सर 75H की लास्ट पॉइंट, वो क्या कहता है सर, गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स, आप कह रहे हो गिफ्ट्स, आप गुड्स, गुड्स के ऊपर आता हूं मैं, जब गुड्स एज गिफ्ट्स क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज गुड्स इन योर केस, इन माय परसेप्शन आईटीसी इज नॉट अलाउड, आई एम प्रूविंग इट हाउ इट इज नॉट अलाउड। कहाँ बोला सर, ठीक है सर, मुझे तो बताओ मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, 17.5 एक मिनट दिखा दूँ आपको, मैं बस वही दिखाना चाह रहा हूँ सर, 17.5 नया वाला पढ़ेंगे, ये क्या बोलता है, नॉट विद सैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, ठीक है सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 17.5 सर नॉट विद सैंडिंग है, मैं भी खोल रहा हूँ फिटिंग सेक्शन, सो इट इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट सर कि आपको आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा, इवन इफ यू आर मेकिंग इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इफ इट इज गुड्स एज गिफ्ट। मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, जब तक मैं एक्ट खोल रहा हूँ, कि गुड्स का मतलब क्या होगा सर, मुझे ये बताओ सर, इट सेज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 16(1) इनपुट टैक्स शैल नॉट बी वेरी, ठीक है, इवन इफ यू क्रॉस दैट सेक्शन 17.5 इज पुटिंग अ बार ऑन इट। लास्ट में वो पॉइंट आपको क्या बोलता है सर, गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट्स ऑफ फ्री सैंपल्स। नाउ माय क्वेश्चन कम्स
इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज. गगन सर क्या डिस्पोज्ड ऑफ के साथ बाय वे ऑफ गिफ्ट लिखा है या लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट के साथ गिफ्ट लिखा है? मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ूं गुड्स लॉस्ट खत्म या मैं पढ़ूं गुड्स लॉस्ट बाय वे ऑफ गिफ्ट्स? नॉट पॉसिबल. मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता इसको. मैं ये भी नहीं पढ़ सकता गुड्स स्टोलन बाय वे ऑफ गिफ्ट और फॉर एग्जांपल्स. सो अल्टीमेटली द लैंग्वेज इज वेरी क्लियर. इट इज टॉकिंग अबाउट सर मेरे हिसाब से इट इज रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट्स और फॉर एग्जांपल्स. क्यों? क्योंकि सर हम गुड्स की बात कर रहे हैं जो आपकी गुड्स डिस्पोज किए गए किताबों से राइट ऑफ किए गए बाय वे ऑफ गिफ्ट्स. गुड्स इवन कवर्स. नाउ अब मैंने जो लिखा था सर गुड्स क्या होते हैं. गुड्स कैन ऑल्सो कवर योर इनपुट्स. गुड्स कैन ऑल्सो कवर योर कैपिटल गुड्स. गुड्स कैन ऑल्सो कवर योर नॉन ऑपरेशनल गुड्स जो आपने दिवाली के पैकेट खरीदे. दीज आर नॉन ऑपरेशनल गुड्स. यू आर नॉट डीलिंग इन दैट ट्रेडिंग इन दैट सर. दीज आर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स. तो आईटीसी डिसलॉ करेगा डिपार्टमेंट सर. ठीक है सर. अगर हमारे पास एक इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट 2A में कोई एंट्री नहीं आ रही पर उसने टैक्स पे कर रहा है तो कब का से कब का इस करंट ईयर नहीं मिल पाएगा सर. लॉ को कैसे ही सुपरसीड कर सकते हैं सर? एक्चुअली मैं आपसे यही समझाना चाहता हूं इट नेवर सुपरसीड्स सर. ये देखो सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इज वेरी क्लियर ऑन दिस रिगार्ड सर. It says conditions and restrictions as may be prescribed. Sir, prescribe कैसे की जाएंगी sir? Rule से ही तो होती है prescription. और ये rule में 36(4) नाम का rule add कर दिया. So they are prescribing a restriction on ITC by section 16(1) taking power under rule 36 sir. It cannot be termed as ultra-virus. Yes, sir, it can be termed as unconstitutional to an extent of vested rights. Is pe fight ho sakti hai, but is pe fight nahi ho sakti ki ultra-virus. Fight is pe ho sakti hai ki constitutionally essence of GST take away kar rahi. Wo sir bhi Supreme Court level pe fight ho sakti. With the mark, I would like to close and hand over to the next speaker. Case mein as the auditor to kisme case reverse karwana chahiye sir nahi to aap comment likh do sir niche sir agar sale price wali purchase cost se kam hai to us case mein wo reversal of fighting kisne kaha sir? If it is to an unrelated party and the price is the sole consideration any price can be the price. Yes, sir. Sir, before actually handover, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी patience maintain करके रखें. Season 3 चालू है और एक चीज और बोलना चाहता हूँ. Sir, excise को आए हुए 70 साल हुए थे. Manufacturing पे case law चलते हैं आज नहीं. What is manufacturing? What is not manufacturing? GST को आए हुए अभी सिर्फ 4 साल होने वाले. अभी 66 इयर्स तक केस चलेगा व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज नॉट सप्लाई. तो बी रेडी फॉर थर्ड लिटिगेशंस बाय दिस मार्क. गगन सर उनको देखे मैं आगे कंटिन्यू करूं. थैंक यू सो मच सीए नवे मल्होत्रा जी for sharing your knowledge and experience. Now, second session will be taken by C.A. Siddhant Pathak ji. C.A. Siddhant Pathak qualified in January 2017. Subsequently, he became law graduate in 2018. Besides, he is an alumnus of Delhi University. Immediately after qualifying C.A. course, he joined Messrs. E.K. Batra & Associates. Right from first day, he exhibited remarkable interest and initiative in learning
indirect taxes, and he saw an unparalleled opportunity in GST. He therefore put his heart and soul in learning the subject both theoretically and practically. He has the privilege of writing various professional books as co-author under GST and has authored several articles published in professional journals and digital forums. So I, on the behalf of all the members, request CA Siddhant Patki to kindly start his session. I'd like to thank NIRC branch of Jalandhar and PUC for giving me this opportunity to share my learnings on the topic assessments under GST. I would also like to thank my mentor, CA Ashok Batra ji, and I know हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबने उनको सुना होगा एंड ही इज नॉट हेयर विद अस राइट नाउ बट सर्टेनली ही इज देयर इन माय हार्ट व्हेनेवर आई ट्रैवल ऑन फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस सो आई वुड लाइक टू प्रोसीड विद दिस सेशन सो माय प्रोफेशनल ब्रदर नव्या जी हैज वेरी वेल ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ टू फिल 9 एंड 9C ही विल बी गोइंग टेकिंग इट फर्दर But sir, after filing of 9 and 9C, this is not the end of the game. 9 is perspective of the client, 9C is the perspective of the auditor, chartered accountant or cost accountant appointed by the client. But there is another perspective also, which is other side of the table, which is department. Ab humme se jo log service tax excise ki practice karte the sir, काफी सारे चेक्स हैं लॉ में इंक्वायरी वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन सर्च सीजर ऑडिट होता था ऑडिट में भी एंटी इवेजन होता था इंटेलिजेंस डीजी सीआई होता था जो कि अब डीजी जीआई है इन सब के एफर्ट्स कल्मिनेट होकर के एक शो कॉज नोटिस में आते थे सर उसका हम रिप्लाई सबमिट करते थे एंड देन आपके सबमिशन को एजुडिकेट किया जाता था और उसके बाद अपीलेट रेमेडीज लॉ में थी सर जीएसटी में एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस किया गया अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स दैट इज असेसमेंट्स विच विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज एबल टू फैसन द रिकवरी प्रोसीडिंग्स थ्रू दिस कंसेप्ट एजुडिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि ऑडिट जब इनिशिएट होता है सपोज 12-13 का आपका ऑडिट पुराने लॉ में शुरू हुआ ऑडिट खत्म होते होते 2 साल टाइम बार हो जाते थे सर जो प्रैक्टिकली जो पीरियड सब्जेक्ट मैटर होता था दैट वाज 14-15, 15-16, 16-17 बहुत टाइम लगता था उसके बाद शो कॉज नोटिस तो टाइम बारिंग था डिपार्टमेंट के हैंड्स में लेकिन उसकी एजुडिकेशन लॉ में टाइम बारिंग नहीं थी जीएसटी में वो भी टाइम बारिंग की गई वहां पर भी टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब किए गए बट क्योंकि एजुडिकेशन टाइम बारिंग नहीं थी तो असेसी को काफी टाइम मिलता था अपनी लिटिगेशंस के रिगार्डिंग जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है उसके कोर्स ऑफ अपने बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कि कल को मेरी लायबिलिटी कंफर्म भी होगी देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू रीपे इट अब असेसमेंट्स का कंसेप्ट ला करके इन्होंने उस टाइम पीरियड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहा कि जहां पर एडमिटेड डिमांड्स हैं या असेसी मान जाएगा तो इनिशिएटली थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सर्व नोटिसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट एंड ट्राई टू रिकवर दैट अमाउंट सो दिस इज व्हाट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट्स इज असेसमेंट के प्रोविजंस लॉ में सेक्शन 59 टू सेक्शन 64 में कंटेन है सर सेल्फ असेसमेंट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर जो आप अपनी 3B फाइल करते हैं अपना टैक्स सेल्फ असेस करते हैं And then, rest are from the perspective of the department, which is 60 to 64. I will first start with the most important section, section 61, jisme aapko notices aa rahe hain, which are ASMT 10. Assessment, concept of assessment has been defined in clause 211 of the CGST Act, and it talks about determination of tax liability, and include self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment. This all we will understand. The scope of assessments in GST is quite limited. Income tax scope assessments ka is quite wide.
But as compared to GST, it is applicable in certain specified situations only, which we will see. And it is not necessary that a supplier is assessed every year. So first section, scrutiny of returns. Now what does this section say is that it gives a power to the proper officer कि वो आपकी जो भी आपने return file की है और उसमें relevant particulars furnish किए हैं उनकी scrutiny कर सकता है और scrutiny करेगा वो verify करेगा कि correctness क्या है return की and then on the basis of whatever observation he is having he will intimate you the discrepancies जो आपकी returns में है और आपसे वो explanation मांगेगा. अब अगर आपका explanation satisfactory है तो वो proceedings वहीं पे drop हो जाएगी. लेकिन आपने जो explanation submit किया that is not satisfactory या आप discrepancy accept तो करते हैं लेकिन आपने corrective course of action नहीं लिया, आपने liability discharge नहीं की जो वो notice में submit कर रहा है, तो इस केस में डिमांड कंफर्म नहीं होगी सर. इस केस में उसको पावर दी गई है कि अप्रोप्रिएट एक्शन ही विल टेक अंडर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ. जैसे सेक्शन 65 वो आपका ऑडिट इनिशिएट कर सकता है. ये असेसमेंट इज अ प्रीलिमिनरी स्टेज. अगर असेसमेंट में जो डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट की गई, इफ यू आर नॉट टेकिंग द करेक्टिव एक्शन और इफ योर रिप्लाई इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, सो ही विल टेक द एक्शन अंडर audit provisions, he will initiate your audit. Or under section 66, he can audit, appoint a chartered accountant, nominate a chartered accountant to do the special audit of the assessee. Or he can even initiate inspection, search or seizure proceedings. Or alternatively, he can directly proceed to determine the liability by issuing a show cause notice. So meaning thereby, ye assessment bhi culminate show cause notice mein hi hogi. इसमें ASMP 10 में आपके जो भी differences आ रहे हैं या department जो भी discrepancy point out कर रहा है, इसकी इससे इस notice से demand आपकी confirm नहीं होती. आप reply submit करेंगे, department आपकी बात मानता है, well and good, ASMP 12 आएगा आपको. आप reply ASMP 11 में furnish करेंगे और आपको उनका order आएगा that we drop these proceedings under ASMP 12, your reply is satisfactory. But अगर आपका reply satisfactory नहीं है तो वो ऑडिट इनिशिएट करेगा या शो कॉज नोटिस इशू करेगा जिसके थ्रू डिमांड प्रपोज की जाएगी दैट व्हाई दिस अमाउंट शुड नॉट बी पेड बाय यू. अब सर इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ में प्रोविजन रूल है, इट सेज, हमने ये तो पढ़ा कि प्रॉपर ऑफिसर इस सेक्शन के अंडर रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा. अब वो स्क्रूटनाइज कैसे करेगा? दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय रूल 99. तो जो इंफॉर्मेशन विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल विद हिम, जो इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे आपके सप्लायर ने जो GSTR 1 फर्निश करी वो उसको पता है कि आपके 2A में कितना क्रेडिट आ रहा है. आपने जो ईवे बिल्स से मूवमेंट शो की हुई है वो उसको पता है कि आपने कितनी वैल्यू के गुड्स मूव किए हैं बट एक्चुअली में 3B में उतनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज की है या नहीं की है. देन इसी तरीके से आपका GSTR 1 में जितनी आपने लाइबिलिटी असेस करके फर्निश की है वो कंपेयर कर सकता है GSTR 3B को कि आपने उतनी लायबिलिटी डिस्चार्ज एक्चुअली में की है या नहीं की है. सर माइंड यू सेक्शन 61 से स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, रिटर्न इज ओनली GSTR 3B और GSTR 4 फॉर द कंपोजिशन डीलर. GSTR 1 इज नॉट अ रिटर्न. GSTR 1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ फर्निशिंग आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37. तो GSTR 1 एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके बेसिस पे वो आपकी GSTR 3B को स्क्रूटनाइज कर सकता है और डिस्क्रिपेंसीज जो है वो इंटीमेट कर सकता है आपको. अब सर आते हैं कि कॉमन डिस्क्रिपेंसीज क्या है. जैसे नव्या जी डिस्कस कर रहे थे 2A वर्सेस 3B एंड ऑल, मोस्ट पॉपुलर डिस्क्रिपेंसी आपके भी क्लाइंट्स के पास नोटिसेज आ रहे होंगे दैट देयर इज अ डिफरेंस इन ITC ऑटो पॉपुलेटिंग इन 2A एंड द ITC व्हिच इज बीइंग अवेल्ड बाय यू इन GSTR 3B. अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी व्हिच इज पॉपुलर इज that this amount you have assessed in your GSTR 1 as outward tax liability but you have paid X amount in the GSTR 3B which is not matching. Some other type of examples are that only less than 1% of the liability has been discharged through cash, so you explain the reason.
हालांकि रूल 86 भी अभी 1 जनवरी 2021 से अप्लाई हुआ है इस रिगार्ड में और बहुत ही लिमिटेड सप्लायर्स पे एप्लीकेबल है, बट डिपार्टमेंट 17-18 से ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, एएसएमटी 10 इशू करता है और कहता है आप एक्सप्लेन करें कि आपने जो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज की है वो 99% से ज्यादा आईटीसी से डिस्चार्ज कैसे की है, कैश में कैश क्यों नहीं डिस्चार्ज की, तो आपको वो प्रॉपर रिकंसिलिएशन सबमिट करने पड़ते हैं, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि योर ग्रॉस प्रॉफिट और द नेट प्रॉफिट इज लेस देन 1%, जो टैक्सेबल आउटपुट है एंड टैक्सेबल एक्सपेंडिचर है जिसपे मुझे इनपुट मिलता है उसके बीच का डिफरेंस लेस देन 1% है, सो आई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अंडर द लॉ और द रूल्स विच प्रोवाइड विच बेसिकली रिस्ट्रिक्ट माई यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी, वन आई टी सी हैज बीन अवेल्ड लीगली एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, देन नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन until this rule 86B with effect from 1st January 2021 has been implemented और वो भी बहुत limited suppliers पे applicable है। तो इस तरीके से हमें ASMT 10 आते हैं। सर ये एक sample है ASMT 10 का, I'm sure आप सबने देखा होगा। इसमें यही discrepancy point out की गई कि recipient ने के 2A में जो credit है और जो 3B में credit avail किया है, there is a difference of 35 lakhs। अब बताएं सर, हम क्या reply करेंगे? हम क्लाइंट से ये तो नहीं कह सकते कि that you reverse the credit, definitely नहीं कह सकते सर। He has paid the tax to his supplier, he is a bona fide dealer by a recipient, he should be entitled for that credit। सर इस तरीके के, अब ये जो most common notice है इसका reply जब आपको submit करना है तो अपने reply को आपको दो parts में bifurcate करना है, एक होगी सर factual proposition और एक होगी legal proposition। फैक्चुअल प्रोपोजिशन में आप एक अप टू डेट 2A की रिकंसिलिएशन ड्रॉ करेंगे सर। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है सर, जब डिपार्टमेंट रिकंसिलिएशन बना करके देता है ना नोटिस में, तो वो जिस जैसे ये नोटिस 2018-2019 का है, तो उसने जो GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेशन 2018-2019 तक अप्रैल 2018 से मार्च 19 तक हुई उसका रिकंसिलिएशन बना करके डिफरेंस दे दिया मुझे।